हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और अभी देखिए आज थोड़ी ठंडी हो गई है, मैं सौरभ के घर आया हूँ। देखिए ठंडी कल फट गई हम लोग की, इतनी हालत खराब थी। मैं टी शर्ट पहन के चला गया, उसके बाद से आने के बाद जो हालत खराब हुई मेरी, इतनी ठंडी। तो अभी जस्ट सौरभ ने मुझे बोला कि बाहर आए तो थोड़ी थोड़ा पहन गया क्योंकि ठंडी हो गई है बहुत। तो अभी हम लोग थोड़ा ऐसे ही घूमने वूमने के लिए निकले। शाम की बात संडे था, सुबह से कहीं गए नहीं। मैं तो सो रहा था अपना, जस्ट नहा धो के अभी बाहर आ गए। और भैया आए हुए, देखिए क्या हो गया। सौरभ का भैया आए हुए थे, सौरभ उनसे मिलने गया था, तो अभी जस्ट मिले हैं भाई दोनों। देखते हैं अभी क्या करना है, थोड़ा बहुत घूमेंगे, घर चल लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, बाय बाय गाइस। सो गाइस, हम लोग अभी 10:90 की तरफ जा रहे हैं और बने रहिए हमारे साथ सौरभ भाई। और सही, बहुत अच्छा डिसीजन हुआ कि हम लोगों ने स्वेटर और हुडी वुडी पहन ली। अगर ना पहने होते ना तो सही बता रहा हूँ, पीछे वाले चौराहे पे हम लोग का काम समाप्त हो जाता है। यहाँ इतनी ठंडी है। अभी हमारे दिलीप भाई आए थे जो लद्दाख से शूटिंग करके आए। दिलीप भाई बता रहे लद्दाख गए थे, वो कपड़े की शूटिंग थी, वहाँ कपड़े की शूटिंग करके जैकेट पहन गया। तो मैंने यही था कि सौरभ एक तो ऐसा है ना कि कोई इंसान होता है तो उसकी ऐसी ले लेता है कि वो इंसान तुरंत वहाँ से कहता है कि अब जा रहे हैं दूसरे से मिलने। ठीक है, भागता बहुत तेज है, आदमी भागता है। तो अगर आपको कहीं रोड पे सौरभ मिले तो जरा भाग लीजिएगा, क्योंकि ये लेने पे आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अभी हम लोग जा रहे हैं 10:90। सौरभ को कुछ खाना है, पता नहीं क्या खाएगा। चल के हम पनीर वनीर खाएंगे। हम डाइट देखे नहीं छोड़ते थे, जिम आज वर्कआउट तो नहीं किया, चीट डे हमारा, हम लोगों ने लिया था पोटैटो ट्विस्टर, तो हम लोगों ने लिया था चीज वाला, आज हम लोगों ने लिया पनीर वाला। और ये पनीर के ऊपर कवरिंग है, इससे हम लोग खाएंगे गाइस। पता नहीं कैसा है लेकिन शुड बी गुड। कैसा सौरभ, गर्म बहुत है? मजा कैसा है? पनीर बढ़िया टेस्ट है, तुम्हें पूरा मुंह में लग जाए वही। सो गाइस, पिटोरी डिस्टर खा के तो हो चुका है और अब हम लोग खा रहे हैं क्या, सैंडविच। भैया से मंगाए दो पनीर टिक्का सैंडविच बनवाए, पनीर इसलिए क्योंकि थोड़ी पनीर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। वैसे तो वो बहाना है लेकिन सब बाकी ऑप्शन से तो हेल्दी है, कम से कम बाकी ऑप्शन से तो हेल्दी है पनीर। और भाई अभी आप मॉल देख सकते हैं 10:90 का, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है यहाँ पे। इतनी भीड़ है, यहाँ पे इतनी भीड़ है कि मैं बता भी नहीं। देखिए जरा, क्योंकि गाइस आज संडे है तो पूरा लग हुआ 10:90 पे ही आया हुआ खाने पीने। आज फिर मिली थे तो हमने कहा चलो, सुबह के बाद पूरे दिन की मेहनत के बाद आपको मिला है। पर हम लोगों ने अब डिसाइड किया कि हम लोग जो बाहर का उल्टा सीधा है, उल्टा सीधा तो नहीं है ना, सैंडविच ही है, लेकिन जितना भी हम लोग खा रहे हैं ये कल से बंद हो जाएगा। और जब संडे और सैटरडे खाएंगे, या तो संडे संडे या फिर सैटरडे, बाकी टाइम अपन नहीं खाएंगे। आपको पता ही कितना तगड़ा चल रहा है फाड़ू, और कल से वर्कआउट और फाड़ू होंगे। कल तो 2200 पर बैंक है, बहुत बने रही है हमारे तो। गाइस ये है पनीर टिक्का सैंडविच जो अभी हमने भैया से बनवाया है। रेड बुल में आप मत पीजिए, लेकिन हम लोग को बहुत प्यास लगी है तो हमको पीना पड़ेगा। देखते हैं कैसा, देखते हैं। हमारा ऑर्डर आ गया और अभी हम जा रहे हैं इसको सेवन करने। बता दें फिर आपको खाने के बाद, पहले देख ले टेस्ट कैसा है, लेट्स ट्राई। बस सैंडविच है गाइस, सारा क्रेडिट भैया को जाता है। बस भैया ने बनाया, आप यहाँ पे आइए तो भैया के खाइएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो गाइस यहाँ पे 10:90 पे खा पी के हो गया है। और कभी भी आप 10:90 तो प्लीज हेलमेट लगा के आए भाई, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए लड़के लोग स्टंट करते हैं और इन लोगों देखिए गाड़ी वाड़ी उठ गई है। अब ये नहीं कि आप मुंह उठा के कहीं पे भी लखनऊ में चल लेंगे, अब ऐसा नहीं होगा। थोड़ा नवाबों का शहर है, जब से योगी जी आए ना तब से लोगों की नवाबी निकल जाएगी। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे खा रहे थे सैंडविच तो बहुत बढ़िया था, पोटैटो ट्विस्टर बहुत बढ़िया था, बता रहे 2 मिनट रुकिए। और उसके बाद हमें यहाँ पे कौन देखा, डॉक्टर साहब खा रहे थे वो भी पोटैटो ट्विस्टर, हम उनका ऑर्डर दे के आए हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ मिल गया था हम लोगों रास्ते में, तो हम लोग यहाँ करते हैं। हम लोग का वहाँ पे खा के हो चुका है और अभी हम लोग भूटान की तरफ जा रहे हैं क्योंकि रात हो गई और हमें डाइट हुई नहीं है। तो सौरभ कह रहा है कि थोड़ा शेक वेक पी के बनाना शेक वगैरह, क्योंकि जिम में भी तो स्ट्रिक्ट रहना ही है और बॉडी बहुत तंदुरुस्त करने वाला।
ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। अगर सब कुछ सही रहा, डेंगू का मच्छर नहीं काटा, तो पक्का ट्रांसफॉर्म कर लेंगे अपनी बात। और दूसरी बात, और आपको ये पता है कि जब मैं और सौरभ साथ में होते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन पक्का होता ही है, ठीक है। और कल से डाइट और पॉइंट कर देंगे, आपको दिखाएंगे क्या होता है, फुल डे ऑफ मीटिंग की भी वीडियो जल्दी लाएंगे। और दूसरी चीज़, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि हमारे ब्लॉग्स इतने रेगुलर हो गए, हर रोज़ एक ब्लॉग आ रहा है। मैं हर रोज़ रात को हर रोज़ रात को मैं दो दो तीन तीन बजे तक वीडियो एडिट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आप एक नए व्यूअर हैं जो अभी सब्सक्राइब नहीं करे हुए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, देखिए गाइस, हमारे चलने वाले भी बहुत लोग पैदा होते हैं, तो देखिए बहुत कर देंगे। तो वो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ लोग जलते हैं सही में, बहुत गलत बात है। तो क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे इतना अच्छा बोलते हैं, कैसे इतना अच्छा बफाउ कैसे करते हैं, तो सब ध्यान रखना है कि आप लोगों का आशीर्वाद है, तो उन्हें किसी की नज़र ना लगे। हम अपना अच्छा करते रहेंगे, हम किसी के कहने पक्का कि आप हमें सब्सक्राइब करोगे और प्यारा सा बनाना शेक पिएंगे भैया। हेलो बोल दो, हेलो बोल दो, हेलो। हम कोई जबरदस्ती नहीं करते किसी को बोलने के, ये सब हमारा प्यार है गाइस, मतलब जनता का प्यार है हमारे लिए। और आज यूट्यूब पे हमारा चैनल है, कल को फेमस होना तो पक्का पॉलिटिशियन बनेंगे पूरा आएंगे पहले बिग बॉस में, विधायक तो बनी जाऊंगा बाबा के क्षेत्र से, ये तो बन जाएगा। आप बताइए, अब बताइए जरा कि कौन सा हमारे मोमो खाते हैं। देखिए इधर दूध और क्या, इसमें कौन सा ये देखो, बनाना शेक बना है। बहुत कमेंट कर रहे थे ना आप लोग, ओड़ा वाओ, ओड़ा वाओ, बताइए इनको। गाजर के जूस में आता है ये, क्या होता है इसमें, गाजर खाने से क्या होता है, क्या होता है गाजर खाने से, गाजर खाने से पेट खराब नहीं होता है, पेट नहीं खराब होता है, दुकान पे आएंगे उनको डिस्काउंट देंगे, जो लोग दुकान पे आएंगे वीडियो देखते हैं उनको डिस्काउंट देंगे। कितना, कितना, 10% सुनिए, ओके, पीते हैं बनाना शेक, घर जाते हैं। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो यहीं तक थी, जितना भी था थोड़ा बहुत, हम लोग 1.5 घंटे के लिए बाहर गए थे, पर अब इसको अगले पार्ट में कंटिन्यू करने से बढ़िया है। तो आपको रोज मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा अभी हमको और भी चीजें देखनी होती है, तो कंटेंट अच्छे आपको देंगे, बढ़िया डाइट वेट लिया सब, आप देखो बढ़िया, आप भी इंजॉय करो हमारी वीडियो को पूरा 10-90। आप आओगे तो आपको लखनऊ के बारे में पता भी चलेगा कि क्या अच्छी चीज है, क्या बेकार है। तो अब आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सारी वीडियोस देखिए, एक बार नहीं 10 बार देखिए, ठीक है। तो हम आपको वापस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल जाएंगे वापस जिम, कल वापस आकर बाइसेप वर्कआउट जाने वाले, ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय।